आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा से मतदान कर बाहर निकले समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सरोज का कहना है कि आज पूरा देश संविधान बचाने के लिए एकजुट हो रहा है और इसलिए बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहा है। ये चुनाव सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। छठवें फेज में जिन 14 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें से 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैंने किया मतदान और आज ये जो चुनाव हो रहा है पूरा देश संविधान बचाओ का चुनाव रहा। इंडिया गठबंधन का पूरी हर जात के लोग, हर किसान, मजदूर, नौजवान साइकिल को ओढ़ रहे, इंडिया गठबंधन को ओढ़ रही है और ये सरकार को कनक के उखाड़ फेंकने का काम नौजवान साथियों ने कर रहे हैं। संविधान बचाने का ये चुनाव है। मैं सभी साथियों निवेदन करूँगा, सभी भाइयों से और किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुनकर भाइयों से, इंडिया गठबंधन को तोड़ दें और साइकिल मिटावे। दरोगा प्रसाद सरोगी, किसकी सरकार बन रही है? ये इंडिया गठबंधन। अच्छा, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन इस बार आज चौदह सीटों पर चुनाव हो रहा, जो कि हम लोग 12-13 सीट हम लोग चुनाव आज हम लोग जीतेंगे। पूरे हर जगह 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन और दमदारी के साथ वोट दे रहे हैं। संविधान बचाओ का चुनाव है, बड़े पैमाने पे लोग समर्थन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, इंडिया गठबंधन को, और पूरा पूर्वांचल अभी तो हम इसमें पूरा जीतेंगे ही। जो सातवां चरण आएगा आप देखिएगा कि उसका समापन हमारे पक्ष में हो करके और चुनाव का समापन। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अमेठी रायबरेली में भी बड़ी अच्छी पोजीशन है हमारी। अब भैया वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो संविधान बचाने का और आरक्षण उसको करने का, अब वो सारे मुद्दे चूंकि बहुत बार डिस्कस हो चुके, पूरे चुनाव में वही चलता रहा। आज तो उसका वो हो रहा है ना, पोलिंग हो रही है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों को पहले फील होता था आज उसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ रही है और लोग बड़े पैमाने पर वोट डाल रहे हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा में अभी आप गए हैं कि नहीं? अभी हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से। एक कंप्लेंट आई थी, उसकी वजह से हम लोग सीधा। किस तरीके की कंप्लेंट के बारे में? कंप्लेंट, अब चूंकि बहुत लोग आप जानते हैं, कोई 80 ईयर ओल्ड आदमी है, महिलाएँ हैं, कोई बीमार भी है, यहाँ से बहुत कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग रह रहे हैं, चूँकि यहाँ पे जो पोलिंग है सिडली पे या सिडली नर्सरी पे, बाज बहादुर और किले तक की पोलिंग आ रही है यहाँ पे। गुलामी पूरे का तो खैर उधर है, बाज बहादुर है, जालंधरी, ये सब है। तो अब उसके लिए जब अब कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, बीमार आदमी कैसे आएगा, 80 ईयर ओल्ड 90 ईयर ओल्ड। अच्छा, गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं? गाड़ी का टेम्पू का था तो बीच में ये था कि कोई कंप्लेंट आई थी कि साहब हवा निकाली जा रही है या गाली दे रहे हैं पुलिस के फोर्स के लोग। तो अभी हम कप्तान साहब से कंप्लेंट भी की गई थी, उन्होंने शायद कुछ कहा सुना भी है, तो खैर उन्होंने मान लिया कि ठीक है आप कुछ दूर पहले ही ला के छोड़ दें। तो 4 जून को क्या कहना चाहेंगे? 4 जून, 4 जून में रिजल्ट सामने आ जाएगा, सफाया हो जाएगा, इंडिया गठबंधन आ जाएगी जीत कर। ठीक है, आज मतदान हो रहा है 14 सीटों के लिए। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है और लोगों को बड़ी उम्मीद और आशाओं का दिन है। आज के दिन वोट करके लोग लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, नफरत को रोकेंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, आपके पुरानी पेंशन की बहाली कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के उनको समर्थन और मौत देंगे। कितना चुनौती मानते हैं, किस तरह की शिकायतें? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, शिकायतें हैं और शिकायत पर ही मैं इस बूथ पर आया हूँ। किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? यहाँ पर शिकायत आई थी कि बुजुर्ग लोगों को रोका जा रहा है, उनको व्हीकल का यूज़ नहीं करने जा रहा, बीमार लोगों को, तो उसके लिए ही मैं आया था। शिकायत मिली थी, शिकायतों पर ही मैं आया। फोटो क्लिक कर दो तीन। सत्ताईस, ठीक है, थैंक यू।